नेशनल हराट केस, लगातार दूसरे दिन ईडी का एक्शन और ये तस्वीरें ईडी के एक्शन की ही हैं। जी, यंग इंडिया कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया जाता है। जैसे ही दफ्तर सील होता है वैसे ही कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ईडी की इसी कार्रवाई के बाद तुरंत कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें देखिए, जहां लुटियन दिल्ली के इलाके में एकाएक फोर्स की तैनाती कर दी जाती है। और फिर इसके बाद खबर ये आती है कि सोनिया गांधी के घर के बाहर भी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जी, माना ये जा रहा है कि ईडी की 2 अगस्त को हुई छापेमारी में सबूतों को इकट्ठा नहीं किया जा सका था, इसलिए सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए यंग इंडिया के दफ्तर को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है। और हाँ, जहाँ तक बात फोर्स के तैनाती की है, तो वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता कोई बड़ा प्रदर्शन ना कर पाए, एहतियात के तौर पर फोर्स को तैनात कर दिया गया। वैसे आपको बता दें कि मंगलवार को ही ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के साथ साथ 16 ठिकानों पर छापे मारे थे। ये कार्रवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई थी। याद कीजिए सोनिया गांधी से पूछताछ का वो किस्सा, जब नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल पूछे गए थे। 21 जुलाई को 3 घंटे, 26 जुलाई को 6 घंटे और 27 अगस्त को 3 घंटे ईडी से पूछताछ की गई थी। इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। ईडी ने राहुल गांधी से भी जून में 5 दिनों में 50 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। वहीं इस कार्रवाई के बाद भी कांग्रेस आक्रामक हो गई है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि सत्य की आवाज नहीं डरेगी पुलिसिया पहरों से, गांधी के अनुयायी लड़के जीतेंगे इन अंधेरों से। नेशनल हेराल्ड का ऑफिस सील करना, कांग्रेस मुख्यालय को पुलिस पहरे में कैद करना, क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।